क्यों से जयपुरिया जी? जयपुरिया जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरे पास में सर आईटीसी के शेयर हैं 100। हाँ, तो उसे होल्ड करना है या निकल जाना है? अब पैसा तो बन गया आपका? जी जी, पैसे तो बन गए हैं सर फिलहाल तो। गावा सर, पैसे बन गए हैं, निकले कि रहे? अभी वो आईटीसी में 400 को आज पार करके ट्रेड कर रहा है। पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वीक नहीं है। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगा है 200 से। हम बोले 200 बहुत महंगा हो गया, 300 भी महंगा हो गया, 400 भी महंगा हो गया, 400 के ऊपर चल रहा है, क्यों निकलना है इनको? अगर लगाए तो एक स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेलिंग स्टॉप। इनकी कॉस्ट बहुत कम है, 230-250 के आसपास। अगर टाइट स्टॉक चाहिए तो 295 का लगाइए, बस 390 का लगा दीजिए। 390 टूट जाता तो निकल जाना, तब तक राइट द ट्रेंड। 15 रुपये ऊपर जाता है तो 15 रुपया स्टॉप लॉस बढ़ाइए, 10 रुपया ऊपर जाता है तो 10 रुपया बढ़ाइए, ये पहले तय कर दीजिए। हाँ, अभी अच्छा, ये अच्छी स्ट्रेटजी है जयपुरिया जी। आप इसमें जो है 392 रुपये, 392 ना गावे सर, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 390 एक सेफ रहेगा। 390 आया तो बेचने का। अगर 390 पे आप लगा के खड़े हैं और ये 405 चला गया तो आप 3 रुपये और ऊपर करिए, 393 कर दीजिए। फिर 320 चला जाए तो और ऊपर 400 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, ऊपर लेते जाइए, और जिस दिन वो आपको लगे हिट होगा तो बेच के निकल जाइए, अपना प्रॉफिट बना लीजिए, दोबारा नीचे आए फिर ले लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहेगा। वरना कागज पे मुनाफा बन रहा है और कागज पे नुकसान बन रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आप ये स्ट्रेटजी लेके चलेंगे तो आपको ज्यादा इसमें से